लगे हैं सफर में, आप देख सकते हैं ये सारी एज करीबी पता नहीं है, करीब कोई 8 साल, कोई 10 साल, 12 साल, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। शानदार हो रही करीबी। और हर एक पल में हर एक पतंग में जो की है टेपिंग करी है, और मैं आपको टेपिंग जो की है इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बंदे ने एक एक पतंग में जो की काम किया हुआ है वो मैं इस हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, और टेपिंग हमेशा फ्रंट साइड से करते हैं, और ये देख लीजिए बहुत अच्छी टेपिंग रखी है मोंटी भाई ने। ये गोल फरमा गांठदार की पतंग, ये गोल फरमे की पतंग है गांठदार, ये देख लीजिए गांठदार। पास में करो आर्यन, लाइटिंग का देना आउट ऑफ फोकस नहीं था लाइटिंग का, बस ये देख लीजिए गांठदार पतंग है, ठीक है। और ये गोल फरमा पतंग है, बहुत अच्छे कारीगर की पतंग है, इस पर स्टैम्प नहीं लगी है हालांकि, बट जो कि पतंग का काम है बहुत अच्छा करा हुआ है। और एक खास बात बता दूं, इस पतंग के साथ साथ में जब आप देखोगे ध्यान से तो ये देख लीजिए यहाँ पे ठड्डे में भी गांठदार पतंग है, ठड्डे के अंदर भी गांठ है, हर एक पतंग के अंदर आपको दिख जाएगी, हर एक पतंग के अंदर गांठ लगी है ठड्डेदार की। कम से कम 1500 मीटर लड़ने के लिए तैयार है। एक ही पता जीती का मैंने बोला सारी ग्राम होना, ये इमरान भाई, ये इमरान की पतंग है, ये देख लीजिए कानपुर की पतंग है। हर एक पतंग के जो कि मुझे कुटाई दिख रही है, इसमें बिल्कुल नहीं दिख रही, हल्की ही दिख रही है, आता हल्की की चाहिए हमें। कमान और पतंग जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये भी कागज 10 साल पुरानी है, देख लिखी हुई है उसमें, 10 साल पुरानी पतंग है, बहुत अच्छी सी पतंग है। अली नवाब जी की पतंग है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, शानदार पतंग, कम से कम ये पतंग जो कि वो 20 साल पुरानी पतंग है, बहुत बढ़िया पतंग है। और ये देख लीजिए ऊपर मुड्डे में भी टेपिंग कर रखी है, बहुत बढ़िया और गांठदार पतंग है, सबसे खासियत ये बात है, ये सारी पतंग जो कि वो गांठदार है। यह अजय कुमार जी की पतंग, ऐसे ले नहीं देख रहे ना, पतंग को हमेशा पूरा फोकस में रख, कैसे करके मेन चीज सारी पतंगे एक से बढ़कर एक, इसकी गुटाई देखें, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है। ये देखिए अजय कुमार की पतंग है, और ये देख लीजिए सब पतंगों में बहुत अच्छी गुटाई करके, और ये देख लीजिए एक एक चौका जो कि बचा हुआ है, और ये देख लीजिए टेपिंग, हर एक पतंग में टेपिंग करी हुई है बहुत बढ़िया तरीके से, आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मैं क्या एक कलम खोल के दिखा रहा हूँ इसलिए। ये भी अजय कुमार जी की है, शानदार, सबसे ज़्यादा डिज़ाइन यही चलता है, सभी बड़े पतंगबाज यही डिज़ाइन पसंद करते हैं। और जो ये डिज़ाइन है ये बेसिकली हम पिक्चर में ही देखने को मिलता है, खासतौर पे ऐसे कुछ खास देखने को मिला नहीं था। ये अजय कुमार की पतंग है, ये देख लीजिए स्टैंप लगी हुई है, ठीक है, और ये देख लीजिए गुटाई, हर एक पतंग की अच्छे से गुटाई करी हुई है, और प्लस हमारे मोंटी भैया ने जो टेपिंग कर रखी है ना इसके अंदर, ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए जैसे किसी कारीगर ने टेपिंग करके भी दी हो साथ ही साथ में, बहुत अच्छे कर रखा है, बहुत बढ़िया। कानपुर के आलम की पतंग है, ये देख लीजिए ये स्टैम्प, और ये जो स्टैम्प करी गई है ये स्टैम्प प्रिंट करते हैं, पहले फर्मा काट लेते हैं कमान थड्डे चढ़ाने से पहले, फिर इसके बाद जो कि ये फर्मा होता है उस पर जो कि प्रिंट करते हैं, जिससे इनकी स्टैम्प भी बन जाती है, और ये गोल्डन स्टैम्प है, बहुत अच्छी है।
अगर किसी को कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। और जो ये पतंग है, ये वाली पतंग जो कि 15 ईयर्स पुरानी पतंग है, ये बहुत अच्छी पतंग है। और ये देख लीजिए, मुड्डेदार पतंग है। और इसकी खास चीज़ दिखा दूँ, इसका फरमा देख लीजिए, बहुत अच्छा फरमा है, बहुत अच्छा फरमा है, ये देख लीजिए। और टेपिंग हर पतंग पे कर रखी है, बहुत अच्छे से कर रखी है उन्होंने। ये भी आता है, ये देख लीजिए पतंग, ये भी बहुत बढ़िया पतंग है, मुड्डेदार पतंग है सेम। और पत्ता देख लीजिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा पत्ता है, बहुत ही बढ़िया। एक एक चौका कंप्लीट है। अब इसके बाबू खान जी जयपुर के कारीगर, सबसे बेहतरीन कारीगर रहे हैं आज तक के। जर्मन पेपर पे पतंग है, आप देखेंगे मजा आ जाएगा आपको। ये आप एक्स्ट्रा करके निकालिए, करो ना, कोई दिक्कत नहीं। और ये देख लीजिए जो कागज है, ये आसानी से किसी को नहीं मिलता है। और जैसे कि सब जानते हैं, ये इन्होंने बताया अभी हमारे आनंद सर ने, बहुत अच्छी पतंग है देख लीजिए। और ये पतंग जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर उड़ने वाली है, गोल फर्मिंग की पतंग है, बहुत बढ़िया। और हर एक पतंग पे कर रखी है। और ये कागज बेसिकली आसानी से किसी को मिलता नहीं है, बहुत अच्छी पतंग है दोस्तों, बहुत पुरानी पतंग है ये कम से कम जो कि पतंग है वो ये मान लीजिए 30 साल पुरानी पतंग है, और आज हमारे हाथ में है, जो कि मोंटी भैया का हम धन्यवाद कहेंगे इस चीज़ के लिए। ये देख लीजिए, ये अजय कुमार जी की, ये अजय कुमार जी की पतंग है, बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए स्टैंप लगी है। और ये देख लीजिए चौके के चौके हैं, हर एक पतंग में बहुत अच्छा काम कर रखा है। और हर एक पतंग में इन्होंने बहुत अच्छे से टेपिंग कर रखी है, बहुत बढ़िया। इन्हें बहुत अच्छा टेपिंग का शौक भी है, हम सब लोगों की तरह। ये भी अजय कुमार जी का है, ये भी अजय कुमार जी का है, ये देख लीजिए बहुत बढ़िया पतंग है। और इन पर भी टेपिंग कर रखी है, हर एक पतंग में टेपिंग पहले एडवांस में करके रखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट साइड से और जॉइंट पे ये देख रहे होंगे आप, तो आप ये देख रहे हैं ये चीज़ जो सेट हो चुकी है इसमें ऑलरेडी, ये टेपिंग जो कि सेट हो चुकी है, क्योंकि ये पहले से करके रखते हैं तो सेट हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे कमान थड्डे सेट हो जाते हैं, मंजर अग्रेस अच्छा हो जाता है, वैसे टेपिंग करके रखते हैं तो टेपिंग भी सेट हो जाती है। तो इसलिए टेपिंग पहले एडवांस में करके रखते हैं, बहुत अच्छी टेपिंग कर रखी है। और टूर्नामेंट में लड़ाने में भी आसानी रहती है। हाँ, टूर्नामेंट में यही पतंग लड़ती है, टूर्नामेंट में भी यही पतंग लड़ती है। और ये पतंग जो कि बाहर के देश में या फिर कहीं पर भी लड़ाने के लिए यूज की जाती है, अच्छी अच्छी पतंग है जो कि है। और देख लीजिए पतंग कितनी एज रिलेटेड पतंग है, बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये देख लीजिए टेप। और ऐसा नहीं कि एक पतंग पे टेपिंग कर रखी है, सब पतंगों में टेपिंग कर रखी है, ये देख लीजिए बहुत अच्छे से टेपिंग कर रखी है। फुल फ्रेम ले रहा है ना फिर, बहुत अच्छे से देख लेना आउट फोकस ना। ये भी आलम की पतंग है, अब आप ये डिजाइन, ये कप कागज देखने को नहीं मिलता, बहुत बढ़िया फरमा भी है और सही बात है। और ये देख लीजिए आगे जो कागज है इसमें, ये प्योर त्रिवेणी जो कागज होता है, ये वो वाला कागज है, बहुत अच्छा कागज है। देखेंगे आप लाइटिंग और जो फरमा है ना इस पतंग का, आप सबसे मेन चीज है पतंग का फरमा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फरमा। मुझे हाथ हिल रहा है, वो लग रहा है। ये भी आलम की, ये देख लीजिए पतंग बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए हमारा थोड़ा बहुत, ये अलग अलग कारीगर की पतंग है, बहुत अच्छी सी पतंग है। और मैं आपको बता दूं ये पतंग है बहुत अच्छी पतंग है, पुरानी ज़्यादा नहीं ले रहा, बस हल्का हल्का ले रहा है, बस थोड़ा थोड़ा बस पतंग के साथ में, कि ये पतंग हमारे पास में बची है, ठीक है, इसके साथ ही रखते। ये तो मैं कर दूंगा, ये तो मेरे को ध्यान है अच्छे से, अपन ऊपर ऊपर रख रहे हैं ना। ये देख लीजिए अली नवाब जी की पतंग वापस आ चुकी है, और सेम वही गांठदार पतंग है, आपको ध्यान दिस जब फोकस से देखेंगे तो गांठदार पतंग दिख रही होगी इसमें आराम से, आउट ऑफ फोकस हो रहा है मेरे भाई, थोड़ा पीछे रख उसको। ये देख लीजिए सेम यहाँ पे भी गांठदार पतंग है, बहुत अच्छी। पत्ता देख लीजिए कितना पुराना हो चुका है, और टेपिंग देख लीजिए एक बार आप, वाह बहुत ही गजब की टेपिंग कर रखी है। और ये देख लीजिए पतंग किसकी है, ये पतंग है फरुखाबाद की पतंग, और फरुखाबाद की पतंग जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं जैसे कि अब आप देख रहे होंगे, ठीक है। और ये देख लीजिए टेपिंग इन्होंने बैक साइड से इसलिए कर रखी है क्योंकि पहले से ही फ्रंट से प्रोटेक्शन दे रखा है इन्होंने, और फ्रंट से हमेशा प्रोटेक्शन दिया जाता है टेपिंग से, क्योंकि हवा जो है वो फ्रंट से क्रॉस होती है। और ये सिर्फ बैलेंस के लिए और कलेक्शन के लिए रखी है, इसलिए टेपिंग इन्होंने ऐसी इस प्रकार से कर रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती क्योंकि खास। ये भी देखिए और इसके काफ और छठे दोनों में गांठें हैं,
ये देख लीजिए खाप और थड्डे में दोनों में गांठ है, बहुत बढ़िया पतंग है। ये 2000 मीटर तक जा सकती है, बहुत बढ़िया 2000 मीटर तक, अच्छी बात है। ये देख लीजिए हर एक पतंग देखेंगे आप तो गांठ है, ऐसा नहीं कि एक दो ही पतंग में, सब पतंगों में बहुत अच्छी पतंग है। और ये गांठदार पतंग है, ये देख लीजिए गांठदार। सिर्फ फोकस ध्यान रखना, तेरे पे डिपेंड है वीडियो। ये MM काइट सेंटर की पतंग है, सब जानते हैं, बहुत अच्छी पतंग है। देखिए भाई सारी टूर्नामेंट और प्रदेश ऐसी जगह लड़ाने के लिए यूज की जाती है सबसे ज्यादा बेसिकली। ये आलम की भाई पैटर्न है, वही वापस आ चुका है। और ये देख लीजिए आगे में सब पतंगों में टेपिंग करके, इसमें एक एक्स्ट्रा चौका है, ये देख लीजिए ये कलर लगा है, कितना प्यारा कलर है, ब्लैक का। अब जब थोड़ा सा दूर होगा और हमारी ये देखिए पतंग ड्राइव बहुत अच्छी है। और जयपुर में बहुत अच्छा काइट क्लब है, यादव काइट क्लब, और ये उन्हीं का कलेक्शन है, हम साथ में पतंग उड़ाते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं सारे सारे। और जैसे कि वो आप देख रहे हैं मोंटी भैया की पतंग है, मोंटी भैया ने इतनी अच्छी पतंग रखी है खुद की बनाकर, बहुत बढ़िया टेपिंग भी इतनी अच्छी कर रखी है, जैसे कि कारीगर ने टेपिंग करके दी उन्हें। और वाकई मोंटी भैया ने बहुत अच्छा कलेक्शन रख रखा है, बहुत बढ़िया। और देख लीजिए वाकई में यादव काइट क्लब जो कि है बहुत अच्छी अच्छी पतंग उड़ाते हैं, और बहुत ही बढ़िया पतंग वो रख के, बहुत अच्छी बात है। और ये देख लीजिए और भी हम कुछ कलेक्शन देखने वाले हैं। ये वापस नियाजी दिखा दो, निराले मियां नियाजी की है, बस गांठ वाले आने वास्ते। गांठदार पतंगों आप देख के बता देना ना, गांठदार बोलेगा ये शायद गांठदार पतंगे वाली, ये वाली ऊपर ऊपर ब्लैक वाली, ये देख लीजिए गांठदार पतंगे बहुत बढ़िया। जयपुर के कारीगर बाबू खान जी, ये हमारे जयपुर के कारीगर हैं। ये देख लीजिए स्टैम्प, और जो ये कागज़ है बहुत मुश्किल था, और बहुत प्यारा कागज़ है ये, बहुत ही बढ़िया। ये देख लीजिए टेपिंग भी बहुत अच्छी करेगी वाकई में, बहुत बढ़िया। ये स्पेशल चौका है जिसमें आपको मुरली की पूरी मोहर भी दिखेंगी, कानपुर और उनका हवाई जहाज भी, बहुत अच्छी रेयर मिलती है ये वाली पतंग है। ये गोल फर्मिंग की पतंग है, चौक खोले दिखाओ, अलग से अलग अलग पतंग है ना उसमें, इसी नीचे एक और पतंग अलग। ये हमीद खान जी की पतंग है मुरादाबाद, ये जो करके देखो उसका कलर भी फेड हो गया। ये आलम पतंग की गोल फर्मे की, इसकी गोलाई देखो, फर्मा लेगा ना, फर्मा लेगा और खड़ा करो, हाँ ऐसे। और ये पतंग जो की है वो 40 साल पुरानी पतंग है, बहुत अच्छी पतंग है दोस्तों। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, बहुत बढ़िया। ये इमरान की पतंग है, ये भी आलम पतंग स्टोर की पतंग है। और दिखाओ पतंग और खोल के, इसकी स्टैंड दिखाना, मिश वाली बस बस। ये देख लीजिए DRK की पतंग है, बहुत बढ़िया। जयपुर की पतंग है आप देखें,
छड्डा छील रखा है बहुत बढ़िया, पतंग को एकदम लाइट कर रखा है, बहुत अच्छा पतंग है। पतंग को, पुरानी पतंगों को लाइट करना तो बहुत ही बढ़िया काम है। वाह वाह गजब। ये देखिए कितनी प्यारी पतंग है, बहुत बढ़िया। बरेली के, आप बोलो अश्विनी, बरेली के अश्विनी उपाध्याय जी हैं, उनकी पतंग देखो आप। और इनकी पतंग जो कि है हमारे यहाँ जयपुर में सभी के पास मिल जाएगी, सब उड़ाते हैं इनकी पतंगें, बहुत अच्छी पतंगें हैं और काफ़ी लोगों के पास मिल जाती है पतंगें, अच्छी पतंगें। ये देख लीजिए पतंग है मुरादाबाद की, 10 साल पुरानी पतंग है, बहुत अच्छी पतंग है दोस्तों। और फर्मा देख लीजिए मीडियम काट है, शायद अच्छी दूसरी पतंग ऊपर और बहुत अच्छी पतंग है दोस्तों। और टेपिंग इतनी अच्छी कर रखी है ना, वाकई में बहुत गजब की टेपिंग कर रखी है। आप लोग कहते हो कि टेपिंग का शौक मुझे ही है, काफी लोगों को होता है, बहुत अच्छा। जितनी पतंगों का आप अच्छा बना के उड़ाएंगे उतना ही आपका पेच भी बहुत अच्छा लड़ेगा। ये मिराज पतंग छोटे कानपुर की है, मिराज की पतंग। और ये पतंग देख लीजिए, ये पतंग है मिराज की जो कि कानपुर की पतंग है, बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए स्टैंप लगी हुई है, स्टैंप मतलब एक मिनट, ये देख लीजिए स्टैंप लगी हुई है, बहुत अच्छी पतंग है। अरे बोल रहे बिकने ये बीकानेर की पतंग है, इसमें आप देखिए वो उन्होंने वापस तारीख का जो उनकी परंपरा चलती आती है सील लगाते हैं वो तारीख के हिसाब से 20 अगस्त 2006। बहुत बढ़िया। और ये देख लीजिए और भी पतंग है, ये जो पिक्स सिर्फ पिक्स में देखने को मिली, ढंग से देखा गया पतंग, चलिए उन्हीं के हाथ में दे, बहुत अच्छी पतंग है। सारी खोल खोल के दे दें, एक एक पतंग देते हैं खोल खोल के, बहुत अच्छी पतंग है इसलिए। सितंबर 2004। मुझे लगता है कि आज लोगों को पता चलेगा कि जयपुर में भी कितने शौकीन हैं और संभाल के रखते हैं पतंगों को। ये आदम की पतंग है, कागज देखना इसका, दो तरीके के कागज यूज किए हैं इसमें, हर बार से फ्रंट से देखा। बहुत बढ़िया।